नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। गोरखपुर में सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 116 करोड़ की 176 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। सुबह 10 बजे अभयनंदन इंटर कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे और 116 करोड़ की 176 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। साथ ही अभिनंदन इंटर कॉलेज सुबह 10 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम कार्यक्रम गोरखपुर में आज आयोजित किए गए हैं, उन तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शिरकत की जाएगी। साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो 116 करोड़ की और 176 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो सुबह 10 बजे अभिनंदन इंटर कॉलेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर इंटर कॉलेज में भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम इंटर कॉलेज में किए गए हैं। तो गोरखपुर दौरे का आज ये दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का और साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शिरकत की जाएगी और करोड़ों की सौगात गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री आज देने जा रही हैं। जी हां, 116 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी और 116 करोड़ की 176 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाना है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के गोरखपुर में रहेंगे इसके अलावा? रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। खास तौर से यह कार्यक्रम अभयनंदन इंटर कॉलेज सुरन चौक पर रखा गया है और आपको बता दें कि 176 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करके गोरखपुर की जनता को एक सौगात देने का काम करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि कल जिस तरह से उनका गोरखपुर में आगमन हुआ और गोरखपुर का जन समूह उमड़ करके उनका भव्य स्वागत किया, फूल मालाओं से किया, सांस्कृतिक गान के माध्यम से किया, वही अभिभूत रहा क्योंकि गोरखपीठ ने हमेशा अयोध्या की अगुवाई की थी और आज गोरखपीठ के जो पूर्वज रहे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उसके बाद पहली बार पहुंचे तो गोरखपुर का जनमानस उनका भव्य स्वागत किया है। यही नहीं, आज करोड़ों की सौगात पहली बार रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखपुर की जनता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। गोरखपुर की जनता अभिभूत है, गोरखपुर की जनता उनको पल पांवड़े बिछा करके कल जिस तरह से स्वागत किया आज उनके द्वारा दिए गए योजनाओं का भी स्वागत करेगी। खास तौर से इन योजनाओं में आपको बता दें, सड़क, नाली, बिजली, पानी, तरह तरह की योजनाएं हैं जो लोगों को आज सौंपी जाएंगी और खास तौर से आज अभयानंद इंटर कॉलेज के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय परिसर में भी युवाओं को, छात्रों को अपने हाथों से टैबलेट वितरण करेंगे स्मार्ट बनाने के लिए। छात्रों को आज उनके द्वारा जो कदम उठाया जाएगा, खास तौर से यह युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य, नए साल के लिए एक तोहफे के तौर पर रहेगा। यही नहीं, राम राज्य की कल्पना जो युवा करते थे आज उसे साकार होते देखा जा सकता है। बिल्कुल हरेंद्र, देखिए रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली बार देखिए गोरखपुर की जनता को संबोधित भी कर रही है। किस तरीके का उत्साह गोरखपुर की जनता में इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, गोरखपुर की जनता, हर जनमानस पूरे भव्यता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती नजर आई है। हमारे दर्शक कल देखे होंगे कि किस तरह से एयरपोर्ट से लेकर के गोरखनाथ मंदिर तक 20 से 25 स्थानों पर मुख्यमंत्री का भव्य फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों के साथ, जय श्री राम के नारे के साथ भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि राम मंदिर का जो
मामला था वह गोरखपुर से ही शुरू हुआ था और गोरखपुर गोरक्ष पीठ ने उसकी अगुवाई की थी। गोरखपुर का जनमानस राम सेवक कार सेवक जिस तरह से गोरखपुर से लोगों ने कूच किया था, आज गोरखपुर की जनता इसलिए अभिभूत हुई कि यहाँ के गोरक्ष पीठ के जो पीठेश्वर रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी हो, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी हो, जिस तरह से अगुवाई किया और आज उसी पीठ ने गोरक्षनाथ मंदिर का भव्य निर्माण करा के प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का कराया है, सनातन धर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक बनाया है, उसको लेकर के गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत करती नजर आई, हर्षोल्लास देखा जा रहा है। और आज करोड़ों की सौगात गोरखपुर की जनता को, एक सौगात के तौर में जो राम राज्य की कल्पना की जाती थी, राम राज्य की कल्पना के तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जनता को देते नजर आएंगे। शुक्रिया हरेंद्र, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।